क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे इस तरह का, जिसका कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा रियल नंबर्स हम लोग सोचे कि खोजे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम अपना एक नंबर्स का दुनिया बना चुके हैं, द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स। उन सब नंबर्स को एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, सारे नंबर्स नहीं लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये रियल नंबर लाइन भरा हुआ है, एक भी स्थान खाली नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक फ्यू नंबर्स यहाँ लिख देते हैं। यही हमारा दुनिया है नंबर्स का। जब हम कहते हैं कि आप इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला एक वैल्यू खोजिए फॉर एक्स, तो आप इसी दुनिया में ढूंढते हैं कोई एक ऐसा नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में डालें तो उसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम सब जानते हैं इसको सॉल्व करके एक वैल्यू ढूंढना, और ये नंबर कहां पे है रियल नंबर लाइन पे, सो ही जानते हैं। वो माइनस वन माइनस हाफ ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को, यानी माइनस वन प्लस माइनस हाफ, और हम इसका मतलब जानते हैं ओरिजिन से वन यूनिट लेफ्ट एंड फर्दर हाफ यूनिट लेफ्ट। तो इस दूरी को दो हिस्सों में बांट दें और आधा दूरी और ट्रेवल करें, दिस इज द नंबर माइनस थ्री बाई टू। उसी तरह से जब हम इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि सॉल्व करके एक्स का वैल्यू या वैल्यूज ढूंढिए, तो हम इसी दुनिया में ढूंढते हैं ऐसा कोई नंबर एक्स के स्थान पे लिख दे, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू शून्य हो जाए। तो ढूंढने का जो प्रयास हम लोग करें तो माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस फोर, यानी माइनस थ्री बाई टू। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे रियल नंबर लाइन में, क्योंकि स्क्वायर रूट मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हम लोग डिफाइन किए हैं वो एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ हम ए लिखते हैं तो हम मीन कर रहे होते हैं एक ऐसा नंबर लिखे हैं से बी जिसका स्क्वायर करने पर ए के बराबर हो। अब बी अगर एक रियल नंबर है, माने इन नंबर्स को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं रियल नंबर्स, तो बी अगर एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर को हम लोग डिफाइन किए हैं एज बी टाइम्स बी। तो बी अगर नेगेटिव नंबर है तो भी नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव नंबर है तो भी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, यानी बी स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए जब भी बोलेंगे तो ए मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, तभी उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर। लेकिन अब यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री लिखा है, अब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है इस दुनिया में, कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो माइनस थ्री आ जाए। तो शुरू में तो यही सबको लगा कि हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, और उतना ही पर्याप्त हो जाएगा हमारे लिए। बाद में महसूस हुआ किसी एक मैथमेटिशियन को कि हम लोग क्यों नहीं अपने नंबर्स की दुनिया का थोड़ा विस्तार करें, यानी इस तरह का नंबर्स को भी हम इंक्लूड करें अपने नंबर्स की दुनिया में, इस लाइन पे नहीं रखेंगे उनको। जैसे कैसे अंग्रेजी का कुछ अल्फाबेट्स है ए बी सी डी ई एफ से लेके जेड तक, तो सब एक ही दिन में डिसाइड नहीं हुआ होगा कि इतना सारा अल्फाबेट्स अगर हम लोग चुन ले तो पूरा एक अंग्रेजी भाषा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मे बी आवश्यकता के अनुसार ये वक्त के साथ ये सब अल्फाबेट्स बनता चला गया। अब क ख ग घ अंग जो हमारा हिंदी का है, ये सब एक ही दिन में नहीं डिसाइड हो गया क्षत्रज्ञ तक, वक्त के साथ ये सब आविष्कार होता गया अल्फाबेट्स। उसी तरह से नंबर्स जो है, जब शुरू हुआ ना नंबर्स का आविष्कार,
तो सिर्फ गिनती के लिए नंबर्स का जरूरत पड़ता था, द नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3। मेरे पास 2 गाय है, बगीचा में 10 आम का पेड़ है, तो सिर्फ ऐसे ही संख्याओं का जरूरत पड़ता था, नंबर्स फॉर काउंटिंग। तो वहीं से शुरू हुआ नेचुरल नंबर्स, और धीरे धीरे फिर और नंबर्स और नंबर्स का आवश्यकता पड़ता गया, हम लोग क्रिएट करते गए और इस तरह से करके नंबर्स का एक पूरा दुनिया बना। और अब फिर महसूस हुआ कि कुछ और नंबर्स हमको इंक्लूड करना होगा अपने नंबर्स के दुनिया में, यानी हमारा नंबर्स का जो दुनिया है, जो अब तक आप जानते हैं, जिनको रियल नंबर्स के नाम से आप जानते हैं, वो अधूरा था, उसमें कुछ और नंबर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे, इस तरह का नंबर्स। द आइडिया दैट वाज सजेस्टेड बाय द मैथमेटिशियन नेम्ड ऑयलर, ही सेड कि हम लोग इस तरह का जो नंबर्स होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 × -3 लिखेंगे, इसको √-1 × √3 लिखेंगे। अब तक कोई नया बात आप नहीं लिखे हम आपको, जो आप नहीं जान सकते हैं। √12 लिखना है तो आप इसको √4 × 3 लिख सकते हैं, √4 × √3 यानी √3 लिख सकते हैं। तो इट वॉज सजेस्टेड कि हम इस तरह के नंबर्स को √-negative numbers को इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, बस। यानी एक सिंबल बनाया गया आई टू रिप्रेजेंट √-1। यही अब बेस है, अब इसी पे हम नया दुनिया एक क्रिएट करने जा रहे हैं नंबर्स का। एक्चुअली नया नहीं, इसी दुनिया में हम उनको इंक्लूड करने जा रहे हैं। अब कख गघ अंघ के बाद हमारा नेक्स्ट रो ऑफ अल्फाबेट्स होगा हिंदी वाला, च छ ज झ ञ त थ द ध न, तो एक एक करके क्रिएट होता गया वक्त के साथ। तो हम लोग अब जाके ना नंबर्स का दुनिया को कंप्लीट करने वाले हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। और अब जो हमारा नंबर्स का दुनिया होगा उसका एक नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक ही नाम। इसी दुनिया का सबसेट है द रियल नंबर्स, और इस तरह का जो नंबर्स हम इसमें लिखने जा रहे हैं उनको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इस कलेक्टिवली इस पूरे सेट को हम अपना दुनिया कहेंगे नंबर्स का। यानी अब भविष्य में हम लोगों को कभी भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे और उसमें इस तरह का भी सॉल्यूशन अगर आएगा जिसमें √-negative numbers, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सॉल्यूशन अब हमको मिलेगा, हमारा जो नंबर्स का दुनिया है उसमें वो सब नंबर्स हमको दिखेगा, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट। रियल नंबर्स भी अब सबसेट होगा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दुनिया का, एक ही दुनिया है, दे आर नॉट 2 different worlds ऑफ नंबर्स, नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी का सबसेट है रियल नंबर। अब जरा इसके सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखिए, इसका सॉल्यूशन आया था −1 + −√-3/2। हम लोग इसके सॉल्यूशन को अब इस प्रकार लिखेंगे आज के बाद, −√-1 + −i√3/2। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कहेंगे कि 2 सॉल्यूशन हमको मिला, एक −√-1 − i√3/2 और एक −√-1 + i√3/2। ये सब वही नंबर्स हैं, हमारा रियल नंबर्स जो हम जानते हैं पहले से। यानी कि अब जो हमारा नंबर्स होगा वो देखने में कुछ ऐसा ही लगेगा, a + ib ऐसा लगेगा, जहां की i √-1 को हम मीन कर रहे होंगे, एंड a और b ये हमारा वही जाना पहचाना
रियल नंबर होगा। अब हमारा जो नंबर्स है वो सब देखने में ऐसा लगेगा, a प्लस आई टाइम्स बी जैसा, समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग जैसा, जहां कि आई का मतलब अब रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, और ए और बी ये वही हमारा पुराना जो रियल नंबर्स है वही होगा। ये ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनफैक्ट एवरी नंबर इज नाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एक नंबर लिखे हैं पाई, जो कि हम सब जानते हैं कि रियल नंबर है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। आप अगर 5 को इस प्रकार लिख दें, 5 प्लस आई टाइम्स जीरो, उल्टा सत्य नहीं है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, देखने में ऐसा लगेगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के शक्ल का लिखा होगा, जिसमें इस संख्या को हम कहेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। एक नाम से पुकार रहे हैं, दिस नंबर विल बी कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द नंबर, द नंबर a विल बी कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड द नंबर b which is another real number will be called the imaginary part of this complex number। ऐसे लिखेंगे, अब पढ़ेंगे वैसे जैसे जैसे हम अभी बोले। 5 एक रियल नंबर है, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो इस तरह से लिखा जा सकता है। उल्टा सत्य नहीं है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी अ रियल नंबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ये है रियल पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2 एंड इमेजिनरी पार्ट है 3। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल नंबर बोल सकते हैं, यानी वही पुराना जाना पहचाना रियल नंबर। तो जो अब तक हम लोग तय किए उसको देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z, नाम से उसको पुकार रहे हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, a प्लस आई बी, where I stands for this and A, B are real numbers। इस संख्या को हम कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इस संख्या को हम कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। केवल बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, ये नंबर खुद एक रियल नंबर है और ये नंबर भी एक रियल नंबर। अभी सिर्फ हम लोग एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, देयर इज नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं z1, 2 माइनस 3i, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं z2, माइनस 5 प्लस 6i। हम आपसे अगर कहें कि रियल पार्ट ऑफ z1 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए क्या आएगा, तो हम दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने आपको बोले। खाली देखना है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। द रियल पार्ट ऑफ जेड वन मतलब ये वाला नंबर, इसको प्लस लिख के माइनस थ्री इस तरह से अब कंपेयर कीजिए आप। तो अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन पूछे होते तो माइनस थ्री उसका मतलब होता। रियल पार्ट ऑफ जेड वन मल्टीप्लाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू विच इज 6, द रियल पार्ट ऑफ जेड टू इज माइनस 5 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू इज 6। यानी हम सिर्फ यही मीन कर रहे थे।
हम लोग को यूज टू होना है, इन नंबर्स को हम लोग चित्र के रूप में भी दिखाना चाहते हैं। जैसे जितना भी रियल नंबर्स है उन सबको हम लोग एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। आप रूप टू बोलिएगा दिखाने के लिए रियल नंबर लाइन पे, तो हम एग्जैक्टली दिखा देंगे उस नंबर को कि वो कहां पे है। कैसे? ये हम लोग 10वां क्लास में सीखे हैं। हम एक और रियल नंबर लाइन बनाएंगे इसके परपेंडिकुलर, उस पे भी नंबर्स मार्क कर देंगे 1, 2। अब यहां से वहां तक का दूरी 1 है यूनिट, और यहां से वहां तक का दूरी है 1 यूनिट, यानी यहां से वहां तक का जो दूरी है यह है रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1+1। अब इतना लंबा हम लोग लेंथ को नाप लें अपने स्केल से, उसको हम यहां पे अगर मार्क कर दें, देन दिस इज द पॉइंट व्हिच इज रूट 2। रूट 3 भी मार्क कर सकते हैं। अब अगर ये रूट 2 मार्क हो गया और ये 1 है, तो ये जो लेंथ है वही है रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ ये दूरी का स्क्वायर व्हिच इज 2+1, 3, तो ये है रूट 3। अब उतना लेंथ अगर मार्क कर लीजिए तो रूट 3 मिल जाए। तो जैसे हम लोग रियल नंबर्स को चित्र के रूप में दिखा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिखिए आप, -22.7 रैशनल हो या इरैशनल हो, ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन एवरी नंबर कैन बी शोन टू एग्जिस्ट समवेयर ऑन दिस रियल नंबर लाइन एज अ डॉट। इस नंबर को हम एक डॉट के रूप में दिखा सकते हैं इसी लाइन पे कहीं पे। 22 यूनिट्स चलेंगे टू द लेफ्ट, माइनस मतलब लेफ्ट, फिर फर्दर 0.7 यूनिट्स मतलब जो 22 यूनिट्स चलने के बाद और 23 यूनिट्स के बीच का जो दूरी है 1 यूनिट, उसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो इधर से 7वां हिस्सा जो है वहां तक जाना है, और तब ये नंबर होगा -22.7। ये सब चीज हम लोग 10th क्लास तक सीख चुके हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर एज अ डॉट ऑन द रियल नंबर लाइन। अब जब हम नया नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का नंबर हम कहां दिखा पाएंगे, इस लाइन पे तो नहीं दिखा पाएंगे, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक प्लेन बनाया जाता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल नंबर्स का लाइन, ये रियल नंबर लाइन ही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। यहां हम वाई लिख रहे हैं और यहां एक्स, पर इस एक्सिस को हम बोलेंगे अक्सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेकिन एक्चुअली में हम बोला जाता है इसको द रियल एक्सिस, इस एक्सिस को बोला जाता है द इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब अंग्रेजी शब्द इमेजिनरी पे मत जाइए कि काल्पनिक है, ये कल्पना तो सब कुछ है, ये भी कल्पना ही है हमारा, एक नाम है द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस, एक नाम रखे हैं इस नंबर का रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। इस प्लेन को बोलते हैं द आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन, जैसे इस लाइन को बोलते थे द रियल नंबर लाइन, सारा रियल नंबर्स इसी लाइन पे हम दिखा सकते हैं। उसी तरह से हम नंबर्स का जो मेरा अब दुनिया है कंप्लीट दुनिया हो गया, अब और नंबर्स का आविष्कार हम लोग नहीं किए, वो पूरा दुनिया हम लोग अब इसमें दिखा सकते हैं। यू जस्ट टेल मी अ नंबर, हम उसको यहां एक डॉट के रूप में दिखा देंगे। जैसे 2+3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको दिखाइए, इस आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए एज ए डॉट। ये नंबर का रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3, तो हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हो, वैसे जैसे 2, 3 कोऑर्डिनेट्स वाला एक पॉइंट लोकेट कर दीजिए, यही नंबर है 2+3। अब यहां पे 2, 3 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, हम पूछेंगे इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बताइए, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट में भी दो तरह का होता है,
एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक पोलार कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तरीका से, तो आप बोलेंगे 2, 3 एक ऑर्डिनरी ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। अगर इसी पॉइंट का हम पूछेंगे पोलार कोऑर्डिनेट बताइए, उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक का दूरी निकालेंगे जो कि √13 हो गया, 2² + 3² आप पहला संख्या लिखेंगे ओरिजिन से दूरी, और दूसरा संख्या लिखेंगे डिपोलार एंगल बोलते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाला जो एरो है वो मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो एंगल लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ 3/2। उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, अगर हम कहें कि इस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? ये एक वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट वेक्टर्स निकालेंगे, इस दिशा में यूनिट वेक्टर एक डिफाइन कर देंगे कुछ आई कैप, इस दिशा में कुछ जे कैप, और तब इसी पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसका पोजिशन क्या है कहिएगा लिखने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे। और अब एक नया चीज सीख रहे हैं, अगर उसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछिएगा जी बताइए, तो हम लिखेंगे 2 + 3i, दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। आदत डालना होगा, हम पूछेंगे कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस भाषा में बताना है जवाब, उसी अकॉर्डिंगली आप बताएं। तो हम लोग एक नया भाषा सीख रहे हैं, इसी आर्गंड प्लेन में कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट हम पूछेंगे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता ना तो आप एक जोड़ा नंबर बताते समथिंग कॉमन, वेक्टर होता तो एक एक्सप्रेशन बताते, ये दो नहीं है एक, ये दो है कॉमा के साथ लिखा। हाँ, वेक्टर के रूप में जब आप बताते हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन से मिलता है, क्योंकि इसमें भी एक ही बताते हैं, इसमें भी एक ही एक्सप्रेशन है, देयर इज नो कॉमा एंड समथिंग एल्स। इसमें भी आप जब वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट 2 है, वाई कॉम्पोनेंट 3 है, इसमें भी इसका रियल पार्ट 2 है, जैसे कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जो है उस पॉइंट का वो बहुत मिलता जुलता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो हम अभी आगे इस्तेमाल करेंगे इस जानकारी को, जैसे हम अगर आपसे कहते कि ये एक एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर देते आई कैप और जे कैप, हम कहते कि 2i कैप + 3j कैप वेक्टर बनाइए, और कहते कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इतना, तो दोनों में अंतर है। जब हम कह दिए कि कोई एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से हम चाहते हैं कि आप एक 2i कैप वेक्टर को प्लॉट कीजिए, उसका टेल ही रखिए, और यहीं पे एक वेक्टर प्लॉट कीजिए 3j कैप जिसका टेल ओरिजिन पे रहे, और तब उन दोनों को प्लस करने का मतलब फॉलो कीजिए जो पैरेललोग्राम लॉ है, या 3j कैप को यहां पे रखिए जहां इसका हेड समाप्त हो, एंड फॉलो कीजिए दी ट्रायंगल लॉ, और सिर्फ कहते एक वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप, तब आप उस वेक्टर को कहीं बना सकते थे, यहां 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 एनीवेयर, फ्री बोलते हैं फ्री वेक्टर, यानी टेल कहां से शुरू करेंगे आप वेक्टर के, इस पॉइंट को हम जिसको टेल बोल रहे हैं और इस पॉइंट को जिसको हेड बोल रहे हैं, इसका मैथमेटिकल नाम है इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू करते हैं बनाना, और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलते हैं जहां समाप्त करते हैं।
तो सिर्फ 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर एक बोले हम कि इस प्लेन में है, तो आप फ्री हैं, कहीं पे इनिशियल पॉइंट शुरू कर सकते हैं वेक्टर बनाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ है, तब फिर आप यहीं से आपको शुरू करना है। दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कहें कि इस आर्गेंड प्लेन में है 2 + 3i, एक पॉइंट है ए जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, देयर इज अ पॉइंट ए, तब उस पॉइंट को जरा लोकेट कीजिए, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का चित्र जब बनाएंगे तो बिल्कुल वेक्टर की तरह बना सकते हैं। 2 units मूव कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द रियल एक्सिस। अब हम नहीं बोल रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, और फिर वहां से मूव कीजिए 3 units अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, यहां से ऐसे मूव कीजिए, और तब इनिशियली जहां से आप चले थे फाइनल पोजिशन को ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय वन सिंगल वेक्टर। एग्जैक्टली सिमिलर है द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अगर हम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते कि 2 + 3i है आर्गंड प्लेन में, अब चित्र बनाइए, तब जरूरी नहीं है कि आप यहीं से शुरू करें बनाना, तब आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सो दिस वेक्टर का हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछे तो इट इज 2 + 3i का है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसी को बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इमेजिनरी एक्सिस पे तो इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर वो 3 units का है और ये 2 units का है, देन दिस एरो या दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 + 3i। बस एक नया तरीका हम लोग सीख रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। वेक्टर के भाषा का हम इस्तेमाल करते तो इसको 2i कैप प्लस 3j कैप लिख रहे होते इस वेक्टर को, और अब जो नया लैंग्वेज हम लोग डेवलप कर रहे हैं आर्गंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसी को लिखते 2 + 3i। 2 रिप्रेजेंट्स द रियल कॉम्पोनेंट एंड 3 रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी कॉम्पोनेंट। दो बात यहां बोले हैं हम, पहला बात बोले हैं कि अगर किसी पॉइंट का बात कर रहे हैं 2 + 3i, तब फिर ओरिजिन से बनाना शुरू करना होगा, तब इसी पॉइंट का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट का नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू 2 + 3i, देयर इज अ बिग डिफरेंस। देयर इज अ पॉइंट ए हुज रिप्रेजेंटेशन इज z1, ब्रैकेट में करके बगल में लिख दिए, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ए आप ब्रैकेट में 2, 3, यहां लिखेंगे z1। तो जब ऐसे लिखेंगे तब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को मीन कर रहे होंगे, या ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको मीन कर रहे होंगे। लेकिन सिर्फ जब ऐसे लिखेंगे z1 इक्वल 2 + 3i, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि z1 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ सम पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, देन यू आर फ्री टू इमेजिन दिस एज अ वेक्टर having a real component 2 and an imaginary component 3 positioned anywhere in the argument plane. हम लोग अभी सीख रहे हैं how to represent a complex number in the argand plane. Complex number को हम लोग represent करेंगे इस प्रकार, ये decide हम लोग कर लिए, अभी x plus i y लिख रहे हैं, आर्गंड प्लेन में हम लोग इस नंबर को दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं उसका रियल पार्ट, मतलब परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कीजिए ऑन टू द रियल एक्सिस,
ये लंबाई होना चाहिए इतना के बराबर, नेगेटिव नंबर होता तो ऐसे झुका होना चाहिए, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इमेजिनरी एक्सिस पे, ये होना चाहिए इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। और हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का कहें कि पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बाय दिस नंबर, तब इस वेक्टर को आपको ओरिजिन से बनाना होगा, तब आपको समझना होगा कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ए को मीन कर रहे हैं। अगर हम ओरिजिन से उस पॉइंट का दूरी दे देते हैं आर, और ये एंगल दे देते हैं थीटा, और आपसे पूछते हैं कि इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए, या इस वेक्टर का OA वेक्टर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए, एक ही बात पूछ रहे हैं। इस पॉइंट का पूछेंगे तो उसका मतलब है कि इस वेक्टर का पूछ रहे हैं O के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट। हम इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उस वेक्टर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं। इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अब कैसे लिखेंगे, जो डिसाइड हुआ है उसी के अनुसार हम लोग को लिखना होगा। हम उसका रियल कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे विच इज आर कॉस थीटा, उसका इमेजिनरी कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे विच इज आर साइन थीटा, और अब लिख देंगे r cos theta plus i times r sin theta, this is what has been decided। a पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर है उसको z कहे, तो z बराबर ऐसे लिखना होगा। अगर हम a एक पॉइंट देते हैं argand प्लेन में, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट्स बता दें 3, 2, दूसरा कोई पॉइंट दे रहे हैं बी 1, -1, हम पूछें कि ए का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए। ये कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है लिखने का, मतलब हम ओ से ए को जो ज्वाइन करेंगे एक वेक्टर से, उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो उसका रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 2। तो अगर आप ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर है उसको Z1 नाम से पुकारें, तो Z1 बराबर आप लिखेंगे 3 + 2i, और B पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर है उसको Z2 कहें, तो Z2 बराबर लिखेंगे 1 - 1i। अगर हम कहेंगे कि B के रेस्पेक्ट में A का जो पोजीशन वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, तो कैसे बताएंगे? जो डिसाइड हुआ है उसी के अनुसार बताना है हमको, इस वेक्टर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और हेड से रियल एक्सिस पे, इसी को कहते हैं द रियल कॉम्पोनेंट, जो अभी हम यहां पे चित्र में दिखा दिए। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, इसी को कहते हैं द इमेजिनरी पार्ट जो यहां दिखाएं, तो वो हम लोग सीखेंगे ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम वेक्टर एलजेब्रा फॉलो होगा इसमें, आप देख भी सकते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और इस पॉइंट का 1, तो ये वेक्टर 3 - 1 होगा, उसी तरह से ये 2 - -1, जिसको कि हम केवल लिखेंगे Z1 - Z2। B से A को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे Z1 - Z2 बस। और अगर A से B की तरफ हम एक एरो बनाते और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछते ऑफ दिस एरो, A से B की तरफ वाले एरो को ऐसे लिखते हैं, तो हम Z2 - Z1 लिखते हैं। ये सब इतना सिमिलर है वेक्टर एलजेब्रा से, जैसे वेक्टर एलजेब्रा में किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो R1 और दूसरा कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो R2। हम पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो
तो हम लोग पोजिशन वेक्टर ऑफ बी यानी आर टू माइनस आर वन लिखते थे, और इसका वैल्यू इक्वल टू निकालते कैसे थे, आर टू वेक्टर एक्सप्रेस होता है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप सम एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, और आर वन वेक्टर एक्सप्रेस होता है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हम क्या लिखें इस वेक्टर को, तो अभी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पर अभी हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। जैसे अगर इस वेक्टर का हम लोग x कॉम्पोनेंट लिखना है ना, तो वो आता है एग्जैक्टली x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को अगर कहें कि z2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको ऐसे लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है वो जस्ट अभी हम लोग देखें। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिखा हो x1 प्लस आई वाई वन, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो x2 प्लस आई वाई टू, तो z2 माइनस z1 का ज्योमेट्रिकल मतलब है दिस पर्टिकुलर एरो, यहां से वहां तक जो एरो ज्वाइन करेंगे दैट इज z1 माइनस z2। एरो का जो फाइनल पॉइंट है वो है z1 पे, इनिशियली z2 से शुरू हुआ है ये एरो, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी ये एरो को हम लिखेंगे z1 माइनस z2, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और उधर से इधर अगर एरो बना देते तो उसको z2 माइनस z1 लिखते। और कैसे कैलकुलेट करते हैं z2 माइनस z1 का वैल्यू, तो वो हम अभी इसी प्रूफ में हम लोग के निहित था ये अलजेब्रा। x2 माइनस x1 कर दीजिए, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अलग से सब्ट्रैक्ट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो z2 माइनस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर z2 है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर z1 है, द वेक्टर ज्वाइनिंग दोज टू पॉइंट। उसी तरह से z2 प्लस z1 करके हम लोग एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एंड z2 प्लस z1 विल मीन व्हाट, देखिए हम लोग डिफाइन किए हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो एडिशन का मतलब हम लोग डिसाइड किए हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दीजिए z1 बराबर 3 प्लस i, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 प्लस 4 i, और हम कहें कि दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने का मतलब क्या होगा वो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। ऐड करने का मतलब वेक्टर्स की तरह ऐड करना है। हम एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, कहीं से बना सकते हैं, जरूरी नहीं था हम ओरिजिन से शुरू करें, हम कहीं से भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर सकते थे, 3x कॉम्पोनेंट और 1y कॉम्पोनेंट। अब यहां x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट नहीं बोलेंगे, रियल कॉम्पोनेंट और इमेजिनरी कॉम्पोनेंट, कोई गुनाह नहीं है आप बोल दीजिएगा तो, बट आदत डालते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोलने का। आप फिर जहां वो समाप्त किए हैं वहीं पर से हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूनिट्स रियल पार्ट एंड 4 यूनिट्स इमेजिनरी पार्ट, और ये चित्र कहीं भी बना सकते थे आप, और इनिशियली जहां से शुरू किए फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। यू कैन रिप्लेस दीज टू वेक्टर्स बाय वन सिंगल वेक्टर, जो हमको अब आदत डालना है बोलने का, कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक नंबर है, मतलब ये एक वेक्टर है जो हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 प्लस 4 आई एक नंबर है, ये एक वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर है 3 प्लस आई, और इन दोनों को हम रिप्लेस करके वन सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वन सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हाट। जैसे हम लोग रियल नंबर लाइन में भी तो सीखे थे, अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 प्लस 3, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय वन सिंगल नंबर,
एक्चुअली कोई एक नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं जो डिफाइन करेंगे? तो हम लोग डिफाइन किए थे रियल नंबर्स के केस में, टू यूनिट्स ट्रेवल कीजिए अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि एक वेक्टर टू यूनिट्स उसका रियल पार्ट है. अब आप इस नंबर को अलग से देखिए, इट इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू प्लस आई टाइम्स जीरो, यानी यह नंबर उसका रियल पार्ट है टू और इमेजिनरी पार्ट जीरो, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है थ्री प्लस आई जीरो, ये एक वेक्टर हुआ थ्री यूनिट्स का अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस, ये एक वेक्टर हुआ, दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, जहां इसका टेल समाप्त हुआ वहीं पर से दूसरे को प्लॉट कीजिए, टू यूनिट्स लंबा थ्री यूनिट्स लंबा, और दोनों को ऐड करने का मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए रिप्लेस कर दीजिए दिस प्लस दिस को वन सिंगल एरो से, उसको लिखिए तो वो फाइव लिखते हैं, जो कि हम लोग फाइव लिखते थे हर को. वही हम लोग यहां डिसाइड कर रहे हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू दे दें और ऐसा कुछ कहे कि कीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए, उसको लिखेंगे जेड वन प्लस जेड टू, तो हम क्या मीन कर रहे होंगे? दिस इज वॉट वी आर मीनिंग. दो वेक्टर है जिसको ऐड कर रहे हैं, और किस तरह से ऐड करेंगे देखिए ना, आपको जो कह रहे हैं कि रिप्लेस कीजिए इन दोनों को बाय वन सिंगल वेक्टर, उसका एक्स कंपोनेंट यानी कि रियल कंपोनेंट कितना लिखेंगे आप? इसका रियल कंपोनेंट एक्स वन है और इसका रियल कंपोनेंट एक्स टू है, दोनों जुट के एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा इसका रियल कंपोनेंट, और इसका इमेजिनरी कंपोनेंट कितना होगा? इसका इमेजिनरी कंपोनेंट प्लस इसका इमेजिनरी कंपोनेंट वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा ये हाइट. यानी आप यहां चित्र में कुछ डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यहां अलजेब्रा है लिख रहे हैं, तो दोनों मैच करना चाहिए ना, उसी पर आधारित ये सब डिसाइड होता है. यहां लिखे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम z1 प्लस z2 लिखें तो करना ये है कि z1 और z2 दोनों के रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग से, यानी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आप बनाए. दिस इज वन नंबर, दो नहीं है. z1 और z2 को ऐड करने पर जो नंबर बनेगा उस नंबर को ऐसे लिखेंगे. इस नंबर का पूछे कि रियल पार्ट बताइए तो कितना आएगा? Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए, दो नंबर को, अब उस नंबर का रियल पार्ट बता दीजिए. देखिए रियल पार्ट, तो वो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो है. यहां जो प्लस लिखे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला प्लस है, यहां जो प्लस लिखे हैं वो रियल नंबर वाला प्लस है, यहां जो प्लस लिखे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला प्लस है. पर ये अलग बात है कि रियल अलजेब्रा वाला जो प्लस था वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले प्लस के डेफिनेशन को ओबे कर रहा है. यानी कि अब दो तरह का अलजेब्रा नहीं हम लोग को चाहिए, वन फॉर द रियल नंबर्स एंड अनदर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा हम लोग सीख रहे हैं वो वैलिड है also for the real numbers. So this plus obeys the same laws as this plus. अगर कोई पूछे कि दो complex number z1 और z2 को add करने पर जो number बनेगा उस number का imaginary part बताइए, तो देखिए हम लोग definition के अनुसार individually दोनों complex number का जो imaginary part है उनको जोड़ दीजिए तो आपको z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा. ये भाषा है हम लोग का इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए. जब भी हम कहेंगे ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस नंबर का दो हिस्सा होगा, एक रियल हिस्सा एक इमेजिनरी हिस्सा. कोई भी नंबर यहां लिख दीजिए -5, पूछे कि इसका रियल पार्ट बताइए,
तो -5 और इमेजिनरी पार्ट 0। अगर हम एक नंबर लिख देते -5i, पूछते रियल पार्ट बताइए, तो आप बोलते 0 और इमेजिनरी पार्ट -5। द मोमेंट आई से ए इज अ वेक्टर इन 3-dimensional स्पेस, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहां तीन बात, तीन हिस्सा होगा इस वेक्टर का, द एक्स कॉम्पोनेंट, द वाई कॉम्पोनेंट एंड द जेड कॉम्पोनेंट। तो दो बाइनरी ऑपरेटर हम लोग डिफाइन किए हैं, एक एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे करना है, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब वही है जो वेक्टर्स में है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, या दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहीं पे दोनों के टेल को कोइंसाइड करके चित्र बनाए होते, या फ्री है ना, कहीं बना सकते, तब हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके इस डायगोनल को बनाते तो वो Z1 प्लस Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी Z1 और Z2 के बीच में जो ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एडिशन, इट ओबेज द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट ऑल्सो ओबेज। Z1 Z2 के टेल को सटाइए, Z2 से Z1 की तरफ एक एरो बना दीजिए, नाउ दिस इज Z1 -Z2, इधर से उधर बनाइए तो दैट बिकम्स Z2 -Z1। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अल्जेब्राइकली X1 -X2 प्लस I टाइम्स Y1 -Y2, दोनों को एक ही में डिफाइन कर दिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, हर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक वेक्टर है जो कहीं भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस वेक्टर का टेल ओरिजिन पर रखा हो, तब तक नहीं रखना जरूरी है जब तक कि हम कहें कि एक पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, तब यहीं से बनाना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो डिसाइड हुआ कि हम उसका एक रियल पार्ट निकाल देंगे बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर्स ऑन टू द रियल एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट निकाल के तब उसको हम ए प्लस आई बी के रूप में इस नंबर को लिखेंगे, यही तय हुआ। ये वेक्टर को लिखेंगे आई टाइम्स बी, ये वेक्टर को ए, ये प्योरली रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी है ये वाला नंबर, क्योंकि इस नंबर का रियल पार्ट 0 है, और ये प्योरली रियल नंबर है क्योंकि इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल लगाएंगे, और इस तरह से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये प्लस फॉलो करेगा वेक्टर एलजेब्रा वाला प्लस। एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, जो तरीका हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं वो यहां लिखे हैं हम, रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर तरीका, या कार्टिजियन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इन ऑनर ऑफ द मैथमेटिशियन रेने डेकार्ते। उसी वेक्टर को हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको पोलार तरीका बोलते हैं, जो सीखने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका रियल पार्ट है x बोल रहे हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, या इस वेक्टर का जो लंबाई है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोला करते थे वेक्टर का, हम एक सिंबल से डिनोट करेंगे मॉड जेड, वहां भी करते थे मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम यहां पे भी वर्ड यूज करेंगे मॉड जेड या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और वो जो एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस
उस एंगल को हम बोलेंगे आर्ग जेड। मॉड जेड, मॉड ऑफ जेड एंड आर्ग ऑफ जेड। मॉड जेड को हम ये सिंबल में एक्सप्रेस करेंगे, बेहतर है। इसको आर्ग्यूमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ये चार नाम आप सीखे हैं अब तक। रियल पार्ट ऑफ जेड ERREAL का शॉर्ट है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड द मॉड ऑफ जेड। अभी हम यहां लिख रहे हैं ऐसे, पर ऐसे लिखेंगे नहीं। इट इज कन्वीनियंट टू राइट लाइक दिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम बना दें आर्गन प्लेन में, एक वेक्टर के जैसा लगेगा देखने में। हम पूछेंगे कि इसका रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट, तो आप समझ चुके हैं कि रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है। दीज आर ऑल रियल नंबर्स, ये रियल नंबर है। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पूछेंगे तो आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे और ये लंबाई अगर आता है 3/2 यूनिट्स, ये वेक्टर नहीं, ये वेक्टर तो है I टाइम्स 3/2, ये वेक्टर है 4। हम सिर्फ रियल पार्ट पूछ रहे हैं, मतलब इस वेक्टर का लंबाई पूछ रहे हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हैं, माने इस वेक्टर का लंबाई यानी सिर्फ 3/2 बोलेंगे, नॉट I टाइम्स 3। सो दीज आर ऑल रियल नंबर्स। अगर हम इस वेक्टर का पूछेंगे मॉड बताइए, यानी ये लंबाई पूछ रहे हैं, तो अगर ये 4 ये 3/2 है तो रूट अंडर 4² + 9/4 ये जवाब आप देंगे। और अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट पूछेंगे तो ये एंगल आपको देना है टेन इनवर्स ऑफ 3/2/4 विच इज 3/8। यानी ये चारों बात क्लियर होना चाहिए। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये चारों बात एसोसिएटेड है, चारों नहीं बताया जाता है। जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बता दें रियल पार्ट है एक्स और इमेजिनरी पार्ट है वाई, बस दो चीज जैसे ही आप बताइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर अब डिफाइंड हो गए। और अगर हमसे कोई पूछ दे कि उसका मॉड वैल्यू और आर्ग वैल्यू बताने के लिए, तब हम लिख देंगे ना मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर x² + y² एंड आर्ग जेड, यानी इस एंगल को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर tan इनवर्स ऑफ पाई माइनस एंड वाइस वर्सा। अगर हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मॉड्यूलस बता दे यानी मैग्नीट्यूड और उसका आर्ग्यूमेंट बता दे आर और थीटा, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकाल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं। द आइडिया इज कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कैसे करें। हम लोग यही डिसाइड किए हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता हो तो उसको इस तरह से लिखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे यहां बनाए हैं जिसका रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है मान लीजिए -3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है -3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें कैसे, तो ऐसे लिखेंगे। हम लोग डिसाइड किए हैं रियल पार्ट पहले लिखेंगे फिर प्लस आई टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट -3, या इसको 3-3i लिख देंगे। अब जो नया चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ये कि अगर हमको इसका मॉड्यूलस पता हो मॉड z व्हिच इज दिस लेंथ व्हिच इज 3√2 एंड उसका आर्ग्यूमेंट पता हो आर्ग z व्हिच इज -5/4, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं, यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुका हुआ हो वेक्टर तो हम माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे उसके आर्ग्यूमेंट को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अब मॉड जेड और आर्ग जेड के टर्म्स में कैसे लिखें, क्या कोई तरीका पॉसिबल है या नहीं, जैसे रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट उसी तरह से। अगेन द फेमस मैथमेटिशियन ओयलर, ही नोटिस समथिंग ब्यूटिफुल।
कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है आर और आर्ग्यूमेंट को थीटा सिंबल से डिनोट करें तो इसका जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है वो है आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आर साइन थीटा। ये हम लोग के लिए नया नहीं है, अब तक यही पढ़ रहे हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर आपको पता हो और इमेजिनरी पार्ट तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने को कहते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिशियन ऑयलर नोटिस्ड कि अगर इसमें से हम आर को कॉमन ले लेते हैं और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये बात को वो ऑब्जर्व किए कि दिस इज सेम एज e टू द पावर आई थीटा। नाउ दिस इज समथिंग जो हम आपको इस वक्त नहीं बता सकते, थोड़ा सा खाली बताते हैं कि हर फंक्शन को, दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इस फंक्शन को हम एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक सीरीज एक्सपेंशन है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशियबल है, एन टाइम्स डिफरेंशियबल है, यानी साइन फंक्शन का डेरिवेटिव पूछे बताइए किसी भी पॉइंट पे, आपको पता है थोड़ा थोड़ा भी एक्स का वैल्यूज चेंज करेगा तो थोड़ा थोड़ा जो फंक्शन के वैल्यूज में चेंजेस होगा वो आप निकालना जानते हैं। अगर डीवाई बाई डी एक्स, अगर फंक्शन के वैल्यूज में सडन चेंज हो रहा हो कुछ, फिर अचानक से कुछ, तो आप ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे फंक्शन के वैल्यूज में सडन चेंज हो रहा है, एक्स बदला ही नहीं लेकिन फंक्शन का वैल्यू बदल गया, ऐसे स्थानों पर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शंस है एंड एन टाइम्स डिफरेंशिएबल है, यानी साइन का जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका जो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन है वो फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए जैसे ये फंक्शन का ग्राफ पता नहीं कैसा होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन, लेकिन दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल है इस टाइप का, एवरी फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एन टाइम्स सक्सेसिवली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस टाइप, ए नॉट प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस रूप में एक्सप्रेस हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम आपसे कहें कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, मान लीजिए हम कहें कि दिस फंक्शन साइन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस समथिंग समथिंग, यानी कि आप एक्स का कोई वैल्यू डालिए और साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इस सीरीज में जो इन्फाइनाइट सीरीज है अनएंडिंग उसमें एक्स का वैल्यू डालिए और इस सीरीज से जो वैल्यू आएगा वही साइन ऑफ एक्स के वैल्यू के बराबर होगा। या ये कहना चाहते हैं कि आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए तो वो साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ से मैच करेगा। जैसे इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कह रहे हैं कि दिस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस सीरीज, मतलब कि साइन का ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही होगा। For any value of x, ये फैक्ट्री जो नंबर रिटर्न करेगा और ये फैक्ट्री में वही नंबर डाल के कैलकुलेट करके जो नंबर रिटर्न करेगा हमेशा सेम नंबर रिटर्न करेगा। फॉर सेम इनपुट दीज टू फंक्शन विल रिटर्न द सेम आउटपुट, तभी तो कहेंगे ना ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है। केवल इसका ग्राफ अगर बनाए हम तो वो ग्राफ तो साइन फंक्शन के ग्राफ से नहीं मैच करेगा, इस पॉलिनोमियल का एक हिस्सा बना रहे हैं। अब उसमें हम ऐड करते हैं जरा माइनस वन बाई थ्री टाइम्स एक्स क्यूब इसी फंक्शन में, तो एक्स क्यूब का फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा। अब दिस प्लस दिस ऐड करके एक नया ग्राफ बनाइएगा तो वो ग्राफ थोड़ा ऐसे बनता है, अभी भी वो साइन एक्स ग्राफ से तो मैच नहीं किया। अब इसमें एक टर्म और
कंसिडर कीजिए, एड कीजिए 1/5 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ एक्स क्यूब जैसा होता है, काफी स्टीप ऐसे, 1/5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कीजिएगा लगभग यही शक्ल होगा। अब एड कीजिएगा तो फिर ये ग्राफ एड करने पर थोड़ा ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ऐसे। फिर एक नेगेटिव टर्म इसमें ऐड कीजिए तो फिर ये ग्राफ थोड़ा और ऐसे करके और अब ऐसे झुक जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मोर एंड मोर टर्म्स ऐड कर करके ग्राफ बनाते जाइएगा तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे ना, जैसे कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का कोई एक पीस ऑफ वुड है जो ऑसिलेट कर सकता है। जैसे जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉलीनोमियल का ऐड करके ग्राफ बनाते जाइएगा वो धीरे धीरे वो ग्राफ जो है वो मर्ज करने लगता है साइन ग्राफ में। इट इज इंटरेस्टिंग, जो कोई भी पहली बार इस बात को नोटिस किया कि एवरी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल फंक्शन, वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा मैथमेटिक्स का। एंड ऑफ कोर्स इसमें न्यूटन का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट न्यूटन इज नॉट द ओनली पर्सन। इसमें द टू फेमस मैथमेटिशियंस जिनको क्रेडिट जाता है इसके लिए, देयर नेम्स आर एक मैक्लॉरिन एंड एक टेलर। अभी हम आपको टेलर सीरीज तो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ये बताने जा रहे हैं सिर्फ कि इसमें से आर कॉमन लेके अगर हम इसको इस प्रकार लिखें तो कॉस फंक्शन का जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है और साइन फंक्शन का जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, सम पॉलिनोमियल p1 ऑफ x, सम अनदर पॉलिनोमियल और e टू द पावर ix का जो सीरीज एक्सपेंशन है, e टू द पावर x ले लीजिए पहले, i को बाद में डालिए, e टू द पावर x फंक्शन भी एक कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये भी रिप्रेजेंट होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन से। अगर उन को ऑब्जर्व कीजिए तो इसमें अगर e टू द पावर i लिख करके एक सीरीज बनाइए, मैंने x के जगह ix लिख दीजिए सब जगह, और इस सीरीज को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए i से सब टर्म को, उन दोनों को ऐड कीजिए तो वो इस सीरीज के बराबर दिखता है। तो हम लोग अब उसको प्रूफ तो नहीं करेंगे, स्किप कर गए, केवल ऑब्जर्वेशन है, प्रूफ तो सब टेलर की है, मैक्लॉरिन की है। ये ऑब्जर्व किया गया कि हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा टाइम्स r। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका हो गया, एक रेक्टेंगुलर तरीका और एक पोलार तरीका। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता हो तो हम इस रूप में लिखेंगे उस नंबर को, x प्लस आई वन द रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट। और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता हो r थीटा, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में लिखेंगे, सम नंबर रियल नंबर है इनटू e रेज टू द पावर ऑफ e, माने वही e 2.718 जिसका वैल्यू है, e एक इरेशनल नंबर है बिटवीन 2 एंड 3, 2 टू द पावर x का ग्राफ और 3 टू द पावर x का ग्राफ के बीच में एक ग्राफ है e टू द पावर x का ग्राफ। अब वो ऐसा फंक्शन है e टू द पावर x, क्या डेफिनेशन है इस फंक्शन का? एकमात्र ऐसा फंक्शन हम सब क्रिएट किए हैं जिसका डेरिवेटिव भी वही है, यानी इस ग्राफ पे जिसको हम e टू द पावर x कह रहे हैं, उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जो हाइट ऑफ द ग्राफ है, जैसे x इक्वल टू 2 पे ग्राफ का हाइट को हम ऐसे लिखते हैं e स्क्वायर, ये नंबर e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस 2.718। तो x इक्वल टू 2 पे जो ग्राफ का हाइट होगा वो 2.718 का स्क्वायर, अब वहां जो स्लोप होगा वो भी इतना ही होगा e स्क्वायर। दिस इज द ओनली फंक्शन जिसके किसी भी पॉइंट पे द हाइट एंड द स्लोप
दे आर सेम, वही वाला ई है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में भी एक्सप्रेस करेंगे आज के बाद। इसको पोलार रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसको रेक्टेंगुलर, दोनों इंटरकन्वर्टिबल है। यानी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखेंगे आज के बाद 3 times e to the power of i π/4, तो हम कहेंगे कि इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या कार्टिजियन रिप्रेजेंटेशन में इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो केवल आपको याद रखना है कि e टू द पावर i थीटा कहीं लिखा है, i टाइम्स एनी रियल नंबर, तो ये जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा लिखेंगे, बस इतना ही याद रखना है। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3 times cos of π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ π/4, हो गया रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। और चित्र के रूप में आपको समझना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 3 units, 3 units लंबा एक वेक्टर बनाना है, और उसका आर्ग्यूमेंट है π/4, यानी वो रियल एक्सिस से प्लस π/4 एंगल पे इंक्लाइंड है। कहीं बना दीजिए 3 magnitude and π/4 आर्ग्यूमेंट। और अगर कभी हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं -3 + 4i रेक्टेंगुलर फॉर्म में और आपसे कहते हैं कि इसी को पोलार फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो तुरंत पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, √3² + 4² e to the power i times, यहां एंगल निकालना होगा विच इज tan inverse of 4 by -3, द इमेजिनरी पार्ट बट रियल पार्ट, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बट रियल। तो कार्टिजियन टू पोलार एंड पोलार टू कार्टिजियन भी हम लोग को तेजी तेजी आना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देख ली कर पा रहे हैं कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं 5, यानी आर्गन प्लेन में आपके दिमाग में आना चाहिए एक वेक्टर जिसका रियल पार्ट है 5, इमेजिनरी पार्ट 0, कहीं पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं ये है 5, यही आना चाहिए। हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 5, विच मीन्स 5 + i0 इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड देखिए 5, और इसका आर्ग्यूमेंट यानी रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है विच इज 0, 5 times e to the power 0, विच मीन्स 5 e to the power 0 मीन्स 1। तो आप इस वेक्टर को अगर हम कहें कि लिखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे और पोलार फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, नॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। एक और देखें, यहां एक हम एरो बना रहे हैं, 3 units मैग्नीट्यूड है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस की तरफ है, 3 units मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड लाइक दिस। इसका हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट 0 - 3i लिखेंगे, या सिर्फ -3i। और इसी को हम अगर पोलार फॉर्म में चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया 3, और आर्ग्यूमेंट यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है -π/2, आई टाइम्स -π/2, जिसको हम -iπ/2 ऐसे लिखते हैं, या आई टाइम्स -π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों परमिसिबल है। तो हम -3i लिखे या 3 times e to the power -i × π/2 लिखे, एक ही बात लिख रहे, आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए मैच करता है कि नहीं। दिस इज 3 times e to the power i θ का मतलब तो cos ऑफ थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ थीटा, यही मतलब है। यहां थीटा है -π/2 है, एंड cos ऑफ π/2 इज 0 एंड sin ऑफ -π/2 इज -1, सो दिस इज -3i। हम लोग को कंफर्टेबल होना है, बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी। तो पहला चीज हम लोग सीख गए हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड इन द पोलर फॉर्म, और इन सब नंबर्स का क्या नाम है सो भी सीख गए। x को बोलेंगे हमेशा यही नाम से पुकारेंगे, और y को हमेशा इसी नाम से पुकारेंगे, और r को हमेशा mod z
और थीटा को हमेशा आर्ग जेड नाम से पुकारेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग करना सीखे हैं। अगर जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स वन प्लस आई वाई वन, और अगर जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स टू प्लस आई वाई टू, तो जेड वन प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आई टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू। यानी कि अगर हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दे पोलार फॉर्म में, थ्री ई टू द पावर आई पाई बाई सिक्स, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे टू ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई थ्री, कहे कि दोनों को एड कर दीजिए। अच्छा, यहां माइनस साइन डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां माइनस टू टाइम्स इतना लिख देते हैं तो आपको यहां माइनस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अगर कहें कि जरा मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो माइनस टू नहीं बोल दीजिएगा आप। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से केवल इतना ही फर्क होता है जो वेक्टर में फर्क होता था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इफ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय माइनस वन मींस अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट, दिस इज माइनस जेड। यानी कि एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, दिशा लेकिन बदल जाएगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दिशा आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है टू यूनिट्स मैग्नीट्यूड और रियल एक्सिस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज इस दिशा में ये दिख रहा है। कहीं बना सकते हैं हम, यहां जरूरी नहीं है, आप कहीं बना सकते हैं टू मैग्नीट्यूड्स का 60 डिग्री। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड टू ही रहेगा लेकिन अब उसका आर्ग्यूमेंट अब वो नहीं रहेगा, अब उसके आर्ग्यूमेंट में पाई ऐड हो जाएगा, 2π/3। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से वो 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है, उसके आर्ग्यूमेंट में पाई ऐड हो जाता है। अब हम कहें कि जरा दोनों को ऐड कर दीजिए z1 प्लस z2, तो कैसे ऐड करेंगे? जो डेफिनेशन है वही फॉलो करना है। एडिशन हम लोग डिफाइन किए हैं ओनली व्हेन z1 एंड z2 आर रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ऐड करने के लिए हम डिफाइन ही नहीं किए। यानी पहले दोनों को ट्रांसफॉर्म कीजिए इन देयर रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको लिखिए थ्री टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस आई टाइम्स 3 साइन पाई बाई सिक्स, इसी तरह से इसको भी, एंड एड द रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट ऐड करते हैं 3 कॉस पाई बाई सिक्स माइनस 2 कॉस माइनस पाई बाई थ्री। इसका रियल पार्ट होगा माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ माइनस पाई बाई थ्री। दोनों रियल पार्ट को आप ऐड कर दिए प्लस i टाइम्स, अब दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे 3 साइन पाई बाई सिक्स और माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, इस तरह से ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी इसी तरह से। हाँ, ये जानना जरूरी ना है, क्योंकि हम जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे तो हम दोनों में से किसी रूप में लिख सकते हैं और कहेंगे ऐड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो याद रखना होगा ना कि ऐड करने के लिए आई मस्ट एक्सप्रेस देम फर्स्ट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। चूंकि वेक्टर्स की तरह ऐड करता है तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों के बीच में एंगल को थीटा कहें, ये आर्ग्यूमेंट है ऑफ z1, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आर्ग z2 माइनस आर्ग z1 का मॉड, यानी उन दोनों के इंडिविजुअल एंगुलर पोजिशंस के बीच में जो अंतर है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। यहां लिखे हैं वेयर थीटा इक्वल्स मॉड ऑफ आर्ग जेड वन माइनस आर्ग जेड टू। मॉड इसलिए डाले हैं क्योंकि अभी ना इस चित्र में हम इसको जेड वन कह दिए इसको जेड टू, तो इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा दिख रहा है इसके आर्ग्यूमेंट से। तो यहां पे थीटा मतलब होगा आर्ग जेड टू माइनस आर्ग जेड वन। मान लीजिए इसको हम जेड वन कहते हैं इसको जेड टू, तब
तब उन इसीलिए मॉड डाल दिए, अंतर दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में जो अंतर है उसको थीटा कहें। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर पता हो मॉड जेड वन, इसका मैग्नीट्यूड पता हो मॉड जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये एक अधूरा जानकारी है, मतलब तो पूरा नहीं। हम जेड वन प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहते, जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहेंगे तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड भी रहता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो दो बात उसमें रहता है, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका आर्ग्यूमेंट भी। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो भी दो बात रहता है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो हम सिर्फ जेड वन प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चाहते हैं कि बताइए ये लंबाई। तो ये लंबाई वही वेक्टर अलजेब्रा वाला है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दिस इंटू कॉस थीटा। वो प्रूफ करने का जरूरत तो नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक लंबाई दूसरा लंबाई, इसको बी कहें, इस लंबाई को ए कहें और इस एंगल को थीटा कहें, तो ये लंबाई कितना होगा। ये ए था, ये बी था, ये थीटा था। ये लंबाई निकालने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, 90 डिग्री एंगल है ये। सो दिस वाज बी साइन थीटा, दिस वाज बी कॉस थीटा। तो ये लंबाई हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को ये लंबाई रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर रूट अंडर से ये लंबाई निकलता है, विच इज अ फॉर्मूला नोन टू अस। तो Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और अगर ही Z1 माइनस Z2 इस वाले का निकालने बोले तो एक माइनस साइन आ जाता है। और इसी से बड़ा फेमस हम लोग को एक इनइक्वालिटी था जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि अब तो जो डिफाइन किए हैं उसके अनुसार Z1, Z2 और Z1 प्लस Z2 हमेशा एक ट्रायंगल का तीन साइड के रूप में अरेंज होगा, या Z1, Z2 और Z1 माइनस Z2, ये तीनों भी हमेशा एक ट्रायंगल का तीन साइड के रूप में अरेंज होगा। देयरफॉर एक इनइक्वालिटी है कि Z1 प्लस Z2 का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका लंबाई वो निश्चित रूप से Z1 और Z2 के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा। बराबर कब होगा, जब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों एक ही दिशा में हो, Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम हो, सेम दिशा में हो, तब Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। अन्यथा अगर ये थोड़ा भी इंक्लाइंड होगा Z1 से Z2 नंबर, तो ये लंबाई इससे छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। इसमें हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू वन डाल दें, जब जेड वन और जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम हो, यानी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम दिशा में पॉइंट करता हो, तो कॉस थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा। अब तब ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगा। लीस्ट वैल्यू कब मिलेगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन होगा। सो दिस नंबर का मैग्नीट्यूड will definitely be greater than equal to the difference in the magnitudes and less than equal to sum of the magnitudes. इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसका कारण वही है जो आपको बताए कि हमेशा ये तीनों नंबर Z1, Z2 और Z1 plus Z2 एक ट्रायंगल के तीन साइड के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और यही इनइक्वालिटी Z1 माइनस Z2 के लिए भी वैलिड है। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो और बाइनरी ऑपरेटर है जो हम लोग डिफाइन किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लाई करना हो तो यहां देखिए लिखे हैं Z1 into Z2 ऐसे लिखेंगे,
अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो z1 और z2 का वैल्यूज, तो z1 इंटू z2 बराबर x1 प्लस iy1 लिखेंगे इंटू x2 प्लस iy2 लिखेंगे। ये डेफिनेशन है, आप ब्रेन मत लगाइए। दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, x1 इंटू x2, x1 इंटू iy2 और i टाइम्स x2 इंटू y1, उन सबको इकट्ठा करेंगे हम लोग, सारा इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह, iy1 इंटू iy2, तो i स्क्वायर के जगह लिखेंगे -1, क्योंकि i हैज बीन डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो i स्क्वायर के जगह -1। तो गुना करने पर दो टर्म है जो प्योरली रियल होगा, दो टर्म आता है जो प्योरली इमेजिनरी, इकट्ठा करके ऐसे लिख देंगे, ऐसे गुना करना है। लेकिन अगर पोलर फॉर्म में लिखा हो देन इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि z1 ऑलरेडी लिखा हुआ है समथिंग इंटू समथिंग, एक और गुना कर रहे हैं समथिंग इंटू समथिंग, सब तो ऑलरेडी गुना किया हुआ है, कहां कुछ करना है। दिस इंटू दिस, ये दोनों नंबर को गुना करके एक जगह लिख दीजिए, इन दोनों को गुना करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग e to the power दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी कि पोलर फॉर्म में गुना करना आसान है, एडिशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना आसान है। आप अगर दीजिएगा भी ना पोलर फॉर्म में, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तब ऐड करेंगे, जबकि गुना करने दीजिएगा तो आई प्रिफर कि हमको आप पोलर फॉर्म में दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए 2e to the power i π/4 को, यानी कि हम अभी ओरिजिन पे ही बना रहे हैं, 2 मैग्नीट्यूड का और 45 डिग्री उसका आर्ग्यूमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना कीजिए 3 times e to the power i 2π/3, 3 मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री, 3 मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है 120 डिग्री, दोनों को गुना कीजिए। तो गुना करने का मतलब बस हमको ऐसे लिखना है, एक को z1 कह रहे हैं एक को z2, गुना करने पे जो नंबर बनेगा उसको z1 z2 लिखेंगे, 2 into 3 6 मैग्नीट्यूड का और आर्ग्यूमेंट 45 प्लस 120 165 डिग्री का, दोनों को गुना करेंगे तो 6 मैग्नीट्यूड का 165 डिग्री पे एक वेक्टर बनाएंगे। यही डिसाइड किया हम लोग द मोमेंट हम से आई से कि इन दोनों को गुना कीजिए। ये अगर z1 ए पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z1 है, ये पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z2 है, तो एक पॉइंट दिखाइए जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हो z1 इंटू z2, तो ये है। एक पॉइंट दिखाइए जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हो z1 प्लस z2, तो ये है पॉइंट डी z1 प्लस z2। एक पॉइंट दिखाइए जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z1 माइनस z2 है, तो ये है z1 माइनस z2। अगर पॉइंट दिखाने बोल रहे हैं तो इसको हम यहां पे बना लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ई जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z1 माइनस z2, दिस पॉइंट। आपको ये समझना है कि सिर्फ हम लोग एक लैंग्वेज बना रहे हैं, देयर इज नो ब्रेन टू बी यूज्ड हियर। ब्रेन पहले ही कोई अप्लाई कर चुका है, मैथमेटिशियन लोग जो ये सब भाषा बनाए, हम लोग को खाली सुनना है कि अच्छा z1 इंटू z2 लिखा होगा कहीं पे भी तो व्हाट विल इट मीन, दिस इज व्हाट विल इट मीन। देखिए गुना करना कितना आसान है, यही अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में दे देते कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसमें भी मुश्किल नहीं है, इतना टाइम्स 5 - 6 आई, गुना कीजिए, ये z1 था ये z2, तो ऐसे लिखेंगे, तो गुना करना होगा टर्म बाई टर्म, 2 into 5 = 10, पहले हम दोनों रियल पार्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, और 3i - 6i -18i² विच इज +18, तो 10 + 18 प्लस i टाइम्स, अब इमेजिनरी पार्ट्स को यहां लिख रहे हैं, 3 into 5 = 15 आएगा एक टर्म यहां, और एक -6 into 2 - 12 आएगा,
और लास्ट में 28+3i लिखेंगे, दिस इंटू दिस क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, केवल इतना बता रहे हैं कि पोलार फॉर्म में लिखा हो तो कुछ करना ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड। और यहां क्या नोटिसेबल बात है, वो देखिए क्या नोटिसेबल बात है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को जब गुना किए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका मैग्नीट्यूड पूछें कि कितना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम Z1 Z2 है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो देखिए क्या मिला, इट इज इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछें कि क्या है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सब लिख रहे हैं, हमारा भाषा है यही, इसी तरह से बात एक्सप्रेस करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो तुरंत बता देंगे, वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। क्यों? बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम अगर Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछे कि क्या है, तो उसके डेफिनेशन में है कि इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। तो यहां जो लिखे हैं ये सिर्फ हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेफिनेशन लिखे हैं, दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड। यहां लिखे हैं इंपॉर्टेंट बात, नाउ द लास्ट बाइनरी ऑपरेटर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवाइड करना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो x1 प्लस iy1 बटे x2 प्लस iy2, तो तुरंत क्या करना है कि डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर से x2 माइनस iy2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, आई के जगह माइनस आई लिख दिए हैं, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट के रूप में हम डिफाइन करेंगे। और अब बड़ा ही सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाता है, डिनोमिनेटर में जब गुना कीजिएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई वाई टू का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाता है माइनस वन, तो डिनोमिनेटर हो जाता है प्लस वाई टू स्क्वायर। यानी तेजी से होना चाहिए, 2+3i लिखा हो और 2-3i, अब पूछे कितना के बराबर होगा, ये प्योरली रियल नंबर आता है, 2² + 3² आता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 2 × -3 और 3 × 3, x2² + y2² हो जाएगा। न्यूमरेटर में गुना करना तो आप जानते हैं x1 × x2 होगा, यहां iy1 और -iy2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y1 y2 और एक आई स्क्वायर, तो +y1 y2 प्लस इमेजिनरी पार्ट लिखे i टाइम्स x2 y1 -x1 y2। अब ये प्योरली रियल नंबर है तो दो अलग अलग हिस्सों में इसको लिख दीजिए, एंड देयर यू आर, x1 + iy1 / x2 + iy2, विच मीन्स x1 + iy1 को मल्टीप्लाई करना था आपको रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना सीखे हैं, अगर हम ऊपर नीचे इसको गुना कर दें x2 - iy2 से, तो नीचे में हो जाएगा x2² + y2² यानी कि 1/x2 + iy2 को आप लिख सकते हैं x2 / x2² + y2² -i × y2 / x2² + y2² तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप निकाले हैं ये रेसिप्रोकल ऑफ x2 + iy2 निकाले हैं।
और इसी से गुना करना था आपको एक्स वन प्लस आई वाई वन को। रियल नंबर में भी आपको हम बताए थे कि 5/3 जब लिखा हो तो कहते हैं कि डिवीजन कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम गुना कर रहे होते हैं 5 को रेसिप्रोकल ऑफ द रियल नंबर 3 से। और गुना करने का मतलब एडिशन होता है, इट मींस 1/3 + 1/3 + 1/3 फाइव टाइम्स। तो अगर हम 1/3 को डिफाइन कर दें 1 यूनिट्स का एक तिहाई हिस्सा, और प्लस को डिफाइन कर दें तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो जाएगा तो डिविजन डिफाइंड हो जाएगा। ये सब हम आपको रियल नंबर्स पढ़ते वक्त बताएंगे। सो डिविजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। तब तक नहीं मल्टीप्लाई कर पाते आप जब तक कि x2 + iy2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब अब क्लियर है, हमेशा a + i × b के रूप में दिखना चाहिए, तभी उसको हम कुछ भी उसके साथ एनालिसिस कर पाएंगे उसका। सो वी हैव लर्न्ड टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ एनी नंबर। ये रटते नहीं सर, आपको हम देंगे 3 + 4i को डिवाइड कर दीजिए 5 - 6i से, z1 / z2 का वैल्यू बताइए, ये z1 ये z2 ऐसे लिखेंगे। अभी परफॉर्म करेंगे आप थोड़े ये सब याद किए रहेंगे, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 6i से, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 5² + 6² और न्यूमरेटर में 3 + 4i × 5 + 6i। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप 36 + 25, ये 61 हो गया, अलग लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को लिख रहे हैं, फिर i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में भी डिनोमिनेटर में 61 होगा। 15 + 24i² यानी 15 - 24, इमेजिनरी पार्ट 3 × 6 = 18 + 20 हो गया। अब यहां लिख देते हैं -9/61 + i × 38/60, सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। और अगर z1 z2 का वैल्यूज पोलर फॉर्म में हो तो तब तो बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन करना और डिवीजन करना पोलर फॉर्म में बहुत आसान है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसान है। आसान क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही डिफाइंड है, आपको देंगे पोलर फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म करके रेक्टेंगुलर में तब ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट। डिवीजन देखिए पोलर फॉर्म में कितना आसान है। z1 / z2 = r1e·i θ1/r2e·i θ2, यानी r1/r2 × e·i θ1 − θ2। क्या नोटिस किए, जैसे इन दोनों को डिवाइड करते हैं z1 को z2 से, इसको इससे डिवाइड करेंगे z1/z2, यहां z1 था 2e·i π/4 और z2 था 3e·i 2π/3। तो z1/z2 करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड, यही सीखे हम लोग, z1/z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पूछे कि कितना होगा तो तुरंत बता देंगे आप, डेफिनेशन में है mod z1/mod z2। और अगर आर्ग्यूमेंट पूछे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वन सिंगल नंबर, उसका आर्ग्यूमेंट तो देखिए ना क्या होगा, वो argz1 - argz2 के बराबर होगा, 2/3 e·i 45 − 120 °−75 °। यानी कि अगर कहें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कीजिए तो आप 75 डिग्री इधर क्लॉकवाइज सेंस में, और मैग्नीट्यूड छोटा सा एक वेक्टर 2/3 मैग्नीट्यूड का, यही पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है z1/z2। कुछ यहां बात सब देख लीजिए, प्रॉपर्टीज इनका
चार बाइनरी ऑपरेटर हम लोग डिफाइन किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्यूटेटिव है, मतलब कि z2 प्लस z1 लिखें या z1 लिखें, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम नंबर। बट ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, z1 माइनस z2 हम लोग इस वेक्टर को कहेंगे, z2 माइनस z1 इसको कहेंगे। सो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1, दोनों में एक माइनस साइन का अंतर होता है। Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1. ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, you get the same result. But Z1 by Z2 is not equal to Z2 by Z1 by definition. Check कर लीजिए। अगर इसी केस में हम आपसे कहते कि Z2 बटे Z1 complex number बताइए, तब उस complex number का magnitude होता 3/2, और उसका argument होता 120 minus 45 प्लस 75, इस तरफ होता 3/2 मैग्नीट्यूड का। कोई दूसरा पॉइंट एक जी दिखा रहे हैं जेड टू बटे जेड। तो जैसे ये आप बनाए हैं जेड वन माइनस जेड टू, अगर जेड टू माइनस जेड वन बनाते तो इधर दिखाते उतना ही मैग्नीट्यूड का इस तरफ। अब ये चारों बाइनरी ऑपरेटर हम लोग को याद रखना है। और ये जो खास बात यहां जो लिखे हैं वो भी नहीं भूलना है। हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कॉल्ड कॉन्जुगेट। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया हो x प्लस आई वाई, या पोलार फॉर्म में r टाइम्स e टू द पावर i थीटा, i के जगह माइनस i लिख दीजिए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और उसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड के ऊपर एक बार जैसा डाल देंगे, जेड बार बोलेंगे। दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट, जैसे अगर हम 3-5i कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहें कि बताइए, तो ऐसे लिख देंगे i के जगह माइनस i, बस इतना ही। और अगर हम अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहें कि कॉन्जुगेट बताइए z बार का बार, तो आपको 3-5i आप बोलेंगे, i के जगह माइनस i। यहां देखिए चित्र में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई एक पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है z, अगर हम कहें कि आर्गेंट प्लेन में दिखाइए वो पॉइंट जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है z बार, तो उसका रियल पार्ट वही रह जाता है, इमेजिनरी पार्ट खाली माइनस हो जाता है। जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट था प्लस वाई, अब इसके कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस वाई, मैग्नीट्यूड वही रह जाता है, आर्ग्यूमेंट बदल गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा है, थीटा माइनस थीटा। सो दिस पॉइंट इज द, सो दिस इज द पॉइंट जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होगा z बार। दोनों पॉइंट एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा होता है इन द रियल एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कोई भी पॉइंट हम यहां पे दिखाएं, कहें कि इसका कॉन्जुगेट पॉइंट कहां है, तुरंत मिरर इमेज, क्योंकि हम यही ना सिखाए हैं कि जो भी इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हो i के जगह माइनस i लिखना है, यानी इमेजिनरी पार्ट। अगर इसका पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो जेड एंड जेड बार दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द रियल एक्सिस। हम पहला बात बोले हैं कि जेड बार का बार मींस जेड इटसेल्फ। अब कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे लिख दे रहे हैं। दूसरा बात, z को z बार से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, कर तो रहे थे अभी हम लोग, जब डिवीजन कर रहे थे तो हम ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई किए थे, रिमेंबर हम 5-6i से कहे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, विच वॉज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर,
ऐसा करते ही क्या होता है कि एक प्योरली रियल नंबर आ जाता है, जो कि ध्यान से देखिए क्या चीज है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो रूट अंडर 5 square + 6 square, उसका स्क्वायर आ गया है ये। जेड इंटू जेड बार इक्वल्स अ प्योरली रियल नंबर है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का स्क्वायर। आप हर तरह से करके देख लीजिए, साबित करने के लिए अगर कहें तो x प्लस आई वाई को गुना कीजिए x माइनस आई वाई से, आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आ तो गया मॉड जेड का स्क्वायर। प्रूफ कंप्लीट। अगर पोलर फॉर्म में प्रूफ करना है तो लेट जेड बराबर आर ई टू द पावर आई थीटा, देन जेड बार विल बी इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और दोनों को गुना करके देखिए क्या आता है, आर स्क्वायर टाइम्स ई टू द पावर दिस प्लस दिस विच इज जीरो, आर स्क्वायर आता है। सारा रिलेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अ प्योरली रियल नंबर स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से एड कर दीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा, लेट z बराबर x प्लस आई वाई, देन z बार विल बी इक्वल टू x माइनस आई वाई, एड कीजिए तो दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आई वाई है ये माइनस आई वाई, रियल पार्ट जुड़ जाएगा, टू टाइम्स आ जाएगा x z प्लस z बार, टू से डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो x मिलेगा, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट मिले। थोड़ा छोटा छोटा रिजल्ट सब है बट वेरी हैंडी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करके दो से डिवाइड कर दीजिए तो आपको खाली उसका रियल पार्ट मिल जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अब रियल पार्ट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अब ऐड हो जाएगा, दिस माइनस दिस कैंसिल और 2i आता है, यानी 2i से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। ये सब को इकट्ठा कर रहे हैं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2i विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अभी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के परेशान नहीं होना है, हम लोग अब डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को देख करके परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकालना जानते हैं, तुरंत निकाल लेंगे, निकाल लिए 1/a + ib, बताइए a प्लस आई बी का रेसिप्रोकल बताइए, तुरंत निकल गया a² + b² इसको तोड़ के दो हिस्सों में लिख दीजिए, a/a² + b² माइनस आई टाइम्स बी बटे प्लस कर दीजिए, तो अब एक्सप्रेस कर दिए दिस इक्वल टू समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग। अब यहां पे डिनोमिनेटर में आई है, आप डिनोमिनेटर में कभी नहीं चाहेंगे कि आई हो, ऊपर नीचे आई से गुना कर दीजिए, तो इसी को लिख सकते हैं i/2i² यानी माइनस हाफ आई है लिखा हुआ, ये 1/2i इज सेम एज माइनस हाफ आई, या आप इसको हाफ को अलग कर लीजिए एंड रेसिप्रोकल ऑफ आई इज माइनस आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करके उसका कॉन्जुगेट पूछे कि बताइए, लेट करते हैं z1 बराबर कुछ मान लेते हैं और z2 बराबर कुछ मान लेते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, x1 + x2 आया, i × y1 + y2 आ गया, अब कॉन्जुगेट लीजिए इसका, i के जगह माइनस साइन लिख दीजिए, वो इक्वल टू इस रूप में अगर लिखें x1 - iy1 x2 - iy2, तो देखिए ये क्या है, ये z1 का कॉन्जुगेट है और z2 का कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट ले
या कॉन्जुगेट्स निकाल के तब ऐड करें, यू गेट द सेम रिजल्ट। यही लिखा है। अभी बहुत यहां पे हम कॉन्जुगेट से रिलेटेड चार बात लिखे हैं, ये चारों अंत में बड़ा एक सिंपल बात हम बोलेंगे। फिर लिखे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना कर दीजिए तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए, इट इज सेम एज पहले कॉन्जुगेट लेके गुना कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। प्रूफ कीजिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बात प्रूफ करना हो तो लेट ऐसा मानने के बजाय होशियारी है ऐसा मानना, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुना और भाग करने में पोलर फॉर्म इज मोर कन्वीनियंट। दैट डज नॉट मीन कि हम उसमें नहीं साबित कर सकते हैं, दोनों में करके देखते हैं। अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो पहले दोनों को गुना करें, x1 प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू, आया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y2। अब कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहां एक माइनस साइन डाल देते हैं। अब कॉन्जुगेट लेके गुना करते हैं, z1 बार इंटू z2 बार अलग अलग, x1 माइनस i y1 को x2 माइनस i y2 से गुना करते हैं। अब आना चाहिए, आएगा, गुना करिएगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम पोलर फॉर्म में प्रूफ कर रहे होते ना तो कुछ करना ही नहीं होता है, लेट तो दोनों को गुना किए तो गुना कर दिए, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कॉन्जुगेट ले लीजिए। हाँ तो ले लिए, आई के जगह माइनस, आप पहले कॉन्जुगेट लेके तब गुना कीजिए। तो कॉन्जुगेट लेते हैं, आर वन ई टू की पावर माइनस आई थीटा वन, आर टू ई टू की पावर माइनस आई थीटा टू, गुना करना है आप कर दिए, आर वन आर टू ई टू की पावर माइनस आई टाइम्स थीटा वन प्लस थीटा टू, मैच कर गया, हेंस प्रूफ्ड। डिवीजन के साथ भी यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके जो नंबर आया उसका कॉन्जुगेट लीजिए, या पहले कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर लीजिए, यू गेट द सेम नंबर। प्रूफ, इट इज इजी, स्टार्ट फ्रॉम हियर, डिवाइड कीजिए, R1 बटे R2 e to the power i theta 1 minus theta 2, z1 बटे z1, conjugate ले लीजिए, minus लिख दीजिए, left hand side e हो, अब right hand side पहले conjugate लीजिए, R1 minus e, divide कीजिए, तो R1 बटे R2 e to the power minus i theta 1 बटे e to the power minus i theta 2, तो minus i theta 1 minus i common ले लीजिए, theta 1 minus, यानी कुल मिलाकर के आप क्या सीखे ये चारों में। यहां हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री होल डिवाइडेड बाई जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हम दे दिए होंगे, जेड वन जेड टू जेड थ्री, यहां लिखा है दोनों को गुना करके, हम बिना गुना करके हम लोग एक नंबर लिख सकते हैं, फिर उसमें z3 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में लिखे हैं z1 को स्क्वायर कर दीजिए, z2 को स्क्वायर, z3 को स्क्वायर, तीनों को ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। z1 स्क्वायर रियल नंबर नहीं है, z1 माने x1 प्लस i y1 का स्क्वायर, विच मींस x1 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विच इज माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होगा, प्लस i टाइम्स 2x1y1, दिस इज जेड वन स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में लिखा है तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आप फिर डिवाइड कर, डिवाइड करना मतलब दिस इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसे हम लोग जानते हैं, मतलब अब देख करके ये सब हम लोग रिलैक्स्ड हैं। अब हम कहें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लीजिए, बताइए क्या होगा। अभी जो हम लोग सीखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, उसके अनुसार हम ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट बोले या कॉन्जुगेट लेके ऐड कीजिए, इट इज सेम। गुना में भी यही बात, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात, डिवीजन के लिए भी यही बात, यानी कि जहां जहां जेड है ना सब पे अलग अलग डाल दीजिए, जेड वन बार, जेड टू बार, जेड थ्री बार, Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z2 बार का स्क्वायर, यही सीखे हैं अभी हम।
सब जगह पे अलग अलग बार डाल दीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू प्रूव दिस रिजल्ट्स, बट इफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जेड्स, अगर हम लिख दिए होते हैं जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री बार इन टू जेड टू, यहां पे लिख दिए होते जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू बार इन टू जेड वन प्लस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहते हैं कि कॉन्जुगेट निकालिए. हाँ, तो सब पे डाल सकते हैं अलग अलग, मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसा. इट इज सेम एज जेड वन बार जेड टू बार दोनों पे डाल रहे हैं प्लस जेड थ्री बार बार विच इज जेड थ्री इन टू जेड टू बार बटे जेड वन बार का स्क्वायर प्लस जेड टू बार के ऊपर बार जेड टू हो गया, जेड वन बार प्लस जेड थ्री बार स्क्वायर. ये सीखे, पता नहीं कब काम देगा बट एक चीज सीखे. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दे जिसका आर्ग्यूमेंट हो मल्टीपल ऑफ पाई, आर्ग्यूमेंट मतलब उसका दिशा है, हमारे रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिशा इज द आर्ग्यूमेंट arg ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया हो मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस, तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मल्टीपल ऑफ पाई होगा वो या तो पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा या नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ, जीरो पाई टू पाई, पाई माने ये एंगल पाई. तो अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताते हैं कि उसका आर्ग्यूमेंट मल्टीपल ऑफ पाई है इंटीग्रल, तो आपको समझना है कि दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, क्योंकि उसका आर ई टू द पावर आई एम पाई रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखिएगा तो कॉस एम पाई आई टाइम्स साइन ऑफ एम पाई तो ये जीरो होगा ना, तो प्योरली रियल है ऐसा समझ जाना है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है. यानी कि अभी सीखे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज दिस, यानी कि z माइनस z बार जीरो है या z इक्वल टू z बार है, ठीक तो है. इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका ये है, मेरा नहीं है, इसका यही तो है, नो चेंज. z विल बी इक्वल टू z बार, संक्षेप में इतना ही लिखते हैं, याद रखते हैं. Purely real, which means imaginary part zero. Imaginary part zero. और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट odd multiple of pi by 2 है, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, odd, वो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ जाना है आपको कि वो प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि उसका रियल पार्ट जीरो है. रियल पार्ट यानी z प्लस z बार इज जीरो. एक लास्ट रिजल्ट है ये. कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 को जब हम ऐड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमारे पास एक रिजल्ट आया था mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times mod z1 mod z2 cos theta. उसी रिजल्ट को हम एक और तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं. माइनस के केस में एक यहां माइनस साइन आता है. क्या चीज देखिए, इसको जरा गौर से देखिए, ये कहां पे मिलेगा इस तरह का एक्सप्रेशन, mod z1 into mod z2, वो तो वही मिलता है जब दोनों को गुना करते हैं. करते हैं गुना, देखिए z1 into z2 जब करते हैं तो अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड z1 e टू द पावर i arg z1, ऐसा ही होता है पोलर फॉर्म,
और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z2 into e to the power i times arg z2 ऐसे लिखते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। यही रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता तो z1 को लिखते द रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। यही भाषा है हमारा। तो जब दोनों को गुना करते हैं तो यहां पे मॉड z1 मॉड z2 का प्रोडक्ट वही r1 r2 e to the power i arg z1 प्लस arg z2 आता है थीटा 1 प्लस थीटा। अगर हम z1 बटे z2 करते हैं तो मॉड z1 बटे मॉड z2 आता है और e to the power i arg z1 माइनस arg z2 आता है। इसको हम अगर थीटा कह दें तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो मॉड z1 बटे मॉड z2 cos थीटा प्लस i sin थीटा आएगा। अपर यहां पे वो एंगल नहीं है थीटा, द डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स को थीटा कहे, ये नहीं है। हमको यहां चाहिए मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू cos ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देयर आर्ग्यूमेंट्स। वो कहां से मिलेगा, देखिए कहां से मिलता है। अगर हम z1 को मल्टीप्लाई कर दें z2 के कॉन्जुगेट से, z1 है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम आपके सुविधा के लिए r1 e to the power i theta 1 लिख रहे हैं, z2 है r2 e to the power i theta 2, तो z1 into z2 कॉन्जुगेट कीजिएगा तो देखिए r1 into r2 मिलेगा और आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा theta 1 minus theta 2। इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा तो r2 e to the power minus i theta 2, और अब इसको एक्सपेंड करिएगा तो एक टर्म आएगा, इसको थीटा बोल दें, i टाइम्स r1 r2 sin थीटा। इसका जो रियल पार्ट है वही है जो हम यहां लिखे हैं। इस एक्सप्रेशन को रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का जो जानकारी होना चाहिए। सो z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर, z1 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट लिख सकते थे, या z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 भी कर सकते थे, सेम आता, क्योंकि तब भी यहां पे r1 r2 आता, e टू दी पावर i थीटा 2 माइनस थीटा 1 आता। कॉस लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 लीजिए या कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 लीजिए, कॉस इज एन इवन फंक्शन। तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ लिखे हैं z1 टाइम्स z2 कॉन्जुगेट का मतलब है कि इनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द अदर, एक नंबर बनाइए और उसका सिर्फ रियल पार्ट लीजिए। ये सब रियल नंबर्स है, रियल प्लस रियल प्लस रियल, इधर भी रियल, यही बात यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता। इसी रिजल्ट को केवल एक दूसरे तरीका से एक्सप्रेस किए हैं। चलिए आज के लिए समाप्त हैं।